हेलो क्लास, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, या एक समान क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे, जैसे कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें एक ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है जिनके आवेशों के जो मान हैं वो माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं। जिनके आवेशों के मान क्या है, द्विध्रुव के आवेशों के मान माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है। मान समझ आए, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है जिनके आवेशों के मान माइनस क्यू व प्लस क्यू है और जिनके बीच की दूरी जो है वो 2L है। इतना बेटा समझ में आया होगा। अब समझो किस तरीके से इसका हम फार्मूला निकालेंगे। जैसे ये जो द्विध्रुव है वो इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से जब द्विध्रुव पर हम एक फोर इसमें दो बल लगाएंगे बराबर और विपरीत दिशा में, जो अगर विपरीत दिशा का मतलब है कि एक बल हम इधर दिशा में लगा रहे हैं तो एक इधर अदर डायरेक्शन में लगाएंगे। समझिए, एक इधर से लगा रहे हैं तो एक इधर से लगाएंगे, तो जब हम इस पे बल लगाएंगे बराबर और विपरीत तो एक बल युग्म का निर्माण होगा, है ना। और बल युग्म से क्या होगा, ये जो द्विध्रुव है ये घूमने लगेगा और इस पे जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा, टाउ होगा। ठीक है, तो पहले जो लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा कितना होगा, टाउ होगा। समझ में आए, तो द्विध्रुव पर लगने वाला हम पहले बल आघूर्ण निकालते हैं। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर होगा कोई एक बल इंटू क्रिया रेखा से से लंबवत दूरी समझो। द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो कोई एक बल और इंटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो समझो कैसे, कोई द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, टाउ। तो टाउ बराबर होगा हमारा किसके, कोई एक बल यानी एफ इंटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। देखो समझो, ये क्रिया रेखा से यहां से यहां तक आवेश हो, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी है, 2L sin थीटा। अब एफ जो है हम जानते हैं वैद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर क्यू ई, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और F बराबर क्यू ई ब्रैकेट में लिख लो विद्युत बल, समझो F बराबर क्यू ई। तो जो F का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, F का मान समीकरण 1 में रखने पर F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब F का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, tau is equal to QE इंटू 2L sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्यू यू साइन थीटा, लेकिन जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो यहां पर हमको दिख रहा है क्या, पी क्यू इंटू 2L। क्यू इंटू 2L कैसे, हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था बेटा, कोई एक इन्हीं दो आवेशों में से, जैसे कोई माइनस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। तो इनमें से कोई एक आवेश यानी कि Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L
दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुवाव कोण कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। क्या डेफिनेशन बनी, किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुवाव कोण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ध्यान देना कि P इज इक्वल टू Q इंटू 12, हमें पता चल गया। तो Q इंटू 12 दिख रहा है, अगर हम E को उधर कर दें ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारा Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब हमको ये क्या दिख रहा है, क्यू इंटू 12 किसके बराबर होता है, पी के। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बस हमको यही क्या करना था, ज्ञात करना था, यही है बलावगुण का सूत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बलावगुण का सूत्र। तो बेटा समझना कैसे निकाला हमने, फिर से एक बार समझ लो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, पहले आपको ये चित्र बनाना होगा, फिर इसके बाद में माना लिखना पड़ेगा। माना में हम क्या लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है, जिस द्विध्रुव के आवेशों के मान माइनस क्यू व प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L है, और जब और इन पर दो बराबर और विपरीत दिशा में, दो बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं, जो बल जो कि एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इस बल युग्म पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना है, टाउ। ठीक है, तो माना समझ में आ गया होगा, माना के बाद द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को बराबर कोई एक बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ, और कोई एक बल यानी एफ और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। F जो है हमारा क्या है, वैद्युत बल, वैद्युत बल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, QE, F इज इक्वल टू QE होता है। F का मान समीकरण एक में रख दिया तो F इज इक्वल टू हमें वैद्युत द्विध्रुवाव घूर दिखने लगा, जिसको कि होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 12, तो टाउ बराबर आ गया हमारा PE साइन थीटा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ये मोस्ट नहीं, ये भी आपका है महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग प्रीवियस ईयर जो अभी प्री बोर्ड परीक्षा हुई तो काफी जगहों पर ये 5 नंबर में भी पूछ दिया गया, तो है ना, तो 3 नंबर या 5 नंबर का आपका पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी, बाकी बात करेंगे कल।